हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अनामिका मार्केट ब्लॉग्स सो गाइज आप लोग जो है सबसे पहले तो मतलब आज का जो मेरे साथ सीन क्रिएट हुआ है ना उसके बारे में भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं भाई कॉमेंट बॉक्स में ना मेरे पास बहुत सारे डीएम्स सॉरी डी एम्स नहीं कॉमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी कुछ डीएम्स आए थे जिनमें बोला था कि हमें ना सूट दिखाओ जैसे पाकिस्तानी सूट्स हुए और हैवी ब्राइडल सूट्स हुए हैवी बनारसी सूट्स हुए तो उस टाइप की कोई अच्छी शॉप दिखाओ जो कि होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हूँ सो so, मैंने भाई ढूंढा बहुत तराशा और एक प्यारा सा हीरा नगीना आपके लिए यहाँ पे लेके मैं आ गई हूँ ठीक है सो इन भैया के पास एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है मेरे पास वो ये है कि घर बैठे भी आपको सिंगल पीस डिलीवर हो जाएगा जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ठीक है सो इन भैया का जो कार्ड है नंबर है सब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा और ये व्लॉग्स मैंने आपकी बहुत ही बढ़िया डिमांड पे तैयार किया है आज जिनका भी जन्मदिन है सबसे पहले उनको बहुत ज्यादा उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं आई विश यू ऑल आ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ठीक है very, very आज कोई स्पेशल डिमांड नहीं आई थी आज जिस जो भी त्योहार है अगर कोई उसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं ठीक है सो so, आज जुमरात है तो जुमरात भी मुबारक हो आप लोगों को ठीक है so, सो चलिए आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है उससे पहले मैं आज, आज आपको ये बता देती हूँ कि आज क्या सीन मेरे साथ क्रिएट हुआ था ठीक है फिर आगे की जानकारी भी आपको मैं दे दूंगी आज ना भाई मैं सीलमपुर पहुँची थी बेसिकली मेरा मोटो था कि मैं सीलमपुर मार्केट को कवर करूँ जो पटरी मार्केट लगती है ठीक है तो मैं पहुँची थी सीलमपुर और वहाँ जाके मेरे साथ क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए ये देखिए ये बहुत प्यार से बरस रही हैं हमारी बरखा रानी और ये रहे सारे कस्ट जो सेलर हैं हमारे आयुब भैया ये रहे नूर भैया ये रहे और उन्होंने हमारे साथ इतना मज़ाक मस्ती की ना कि मैडम बनाओ बारिश की वीडियो बनाओ वो बार बार यही बोल रहे थे सो तो आज जो है ये जो वीडियो आने वाली थी इतनी अच्छी सी इतनी अच्छी शॉप की जो आने वाली थी मतलब दुकानदार सभी आए थे बट दुकानें नहीं लगी थी तो वो नहीं आएगी अगर अगले हफ्ते बरखा रानी ने इजाज़त दी तो फिर से जाएंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो सीलमपुर की वीडियो बना के लाएंगे लेकिन आज जो हमारे साथ सीन क्रिएट हुआ ना वो सही में बहुत मजेदार था तो बारिश जी प्लीज अगली बार मत पड़ना ठीक है दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है बारिश को लेके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप सारी ही मार्केट्स की ट्रेंडिंग और बेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो so गाइज ये होने वाली है शॉप जिसका नाम है नास कलेक्शन ठीक है ये शॉप पड़ेगी आपको सीलमपुर में और यहां पे पहुंचने के लिए आपको आना है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन और जैसे ही आप गेट से एग्जिट करेंगे गेट नंबर कोई ऐसा गेट नंबर नहीं है एक ही गेट है एग्जिट का सीलमपुर का ठीक है कोई ऐसा परमानेंट नंबर नहीं दिया हुआ है गेट का तो ये अच्छी बात है जैसे ही निकलेंगे सामने आपको ऑटो मिल जाएंगे केवल दस ही रुपये देने हैं ठीक है स्पेशल ऑटो नहीं करके ले जाना ऑलरेडी सवारी वाले ऑटो होते हैं और कितनी दूर दो मिनट की दूरी पे आप लोग पैदल नहीं जा पाएंगे इसीलिए बोल रही हूँ कि केवल दस रुपये दे के चले जाना ठीक है वरना मैं बोलती कि पैदल ही चले जाओ ठीक है So, आज जो है मैंने नास कलेक्शन का, का जो बहुत ही प्यारा एक्सक्लूसिव सूटों का वीडियो कवर किया है ये वीडियो आप पूरा देखना और आपको इसमें सारी ही जानकारी देने की कोशिश की गई है प्राइजेस भी वीडियो में आपको दिखाए गए हैं सारे ही सूटों के प्राइजेस आपको डिस्प्ले पे दिखाए जाएंगे और क्वालिटी उसकी मैं आपको बताऊंगी सो तो ठीक है आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो पे अपना ढेरों प्यार देंगे और इस वीडियो को पसंद करेंगे गाइस जो भी होम डिलीवरी मंगाए या कोरियर मंगाए तो प्लीज मुझे अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना तो चलिए दिखाते हैं सबसे पहले होने वाला था ये वाला सूट जिसका प्राइस आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और ये प्योर कॉटन का सूट था और इसकी जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी क्वालिटी थी इसकी ठीक है और देख सकते हैं इसका पैटर्न और इसका जो दुपट्टा था ये इसका सबसे मेन अट्रैक्शन था प्योर कॉटन में होने वाला था और जो उसका मतलब बॉटम था पेंट का या सलवार का कपड़ा जो था वो भी ढाई मीटर आपको मिलने वाला था ठीक है सिक्स रेंज थी सूट की और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सीक्वेंस का इस पर हल्का हल्का काम था और गोटा पट्टी का भी इस इसपे वर्क था गले पे भी और नीचे दामन पे भी और दुपट्टे पे भी इस पर काफी अच्छा वक्त था लाइक सिक्स फिफ्टी में काफ़ी अच्छा और काफी किफायती रेंज में आपको ये सूट मिल रहा है सो आई होप कि आप इसको मस्ट बाय करेंगे नेक्स्ट आ जाता है आपका फेवरेट कलर आपका डिमांडिंग कलर जो कि होता है ब्लैक विद डिजिटल प्रिंट की चुन्नी प्राइस आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा सारे सूटों का और ये होने वाला था जॉर्जेट फैब्रिक पे और इसमें भी सीक्वेंस का काम था डिजिटल प्रिंट था इसके दुपट्टे पे दुपट्टा भी इसका जॉर्जेट था ठीक है बहुत ही प्यारा पीस होने वाला था ये और देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा था इसका और इसके नेक पे भी काफी अच्छा बटन्स का लेयर्ड काम किया गया था तीन बटन्स इनके नेक पे दिए गए थे और सीक्वेंस का हल्का लाइनिंग वाला काम किया गया था लाइनिंग बोलते हो जो लंबी लंबी लाइनें होती है लाइनिंग भी इसके साथ प्रोवाइडेड था अस्तर जो होता है सूट का वो इसके साथ प्रोवाइडेड था घर बैठे आप मंगा सकते हैं ये सूट होने वाला था मेरा सबसे फेवरेट बनारसी पैटर्न में बांधनी दुपट्टे के साथ ऐसा सूट मैंने आज तक देखा ही नहीं है मतलब ऐसा देखे तो होंगे बट इतना सुंदर इतने प्यार से तराशा गया सूट वो भी इतनी कम रेंज में मैंने कहीं नहीं देखा और मैंने आंख बंद करके जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई मैंने तुरंत बाय कर लिया मैं बताती हूँ पैसे नहीं लेके जाती तो आज मैंने इसे गूगल पे से बाय किया है देख रहे हो आप मेरी क्या मतलब क्या ही हूँ मैं शॉपिंग का कीड़ा है मेरे अंदर ठीक है और इसका कलर भी दिखाऊंगी मैंने कौन सा कलर बाय किया है सो so, ये होने वाला था बहुत ही प्यारा बनारसी का सूट ऑर्गेंजा फैब्रिक था इसका ये वाला कलर मैंने बाय किया है देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और इसका फोटो मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी मैंने आज ही स्टिचिंग के लिए भी देके आई इसको जैसे ही घर लेके आई वैसे स्टिचिंग के लिए भी दे दिया ठीक है आज मैं थोड़ा टाइमली घर आ गई थी तो देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा सूट है ये और मेन अट्रैक्शन है इसका दुपट्टा हा, हा, हा मैं तो इस दुपट्टे पे वारी वारी जावा इतना प्यारा दुपट्टा गाइस ये प, मतलब इस प्राइस पे जाके ना धूम मचा दो इस वाले सूट को इतना खरीदो इतना खरीदो एक पीस भी घर बैठे मिलेगा कोरियर का चार्ज देना है सिर्फ और वो भी बहुत कम होता है कुरियर का चार्ज ठीक है एक किलो पे कुछ पचास या पचास या चालीस रुपए लगते हैं इतना ही होता है समथिंग समथिंग ठीक है और ये वाला पीस था यह भी बहुत प्यारा पीस था इसका ना एक वाइट कलर भी था ठीक है बहुत ही प्यारा पीस था यह भी चिकन में था और इसका दुपट्टा डिज, डिजिटल प्रिंट में चिकन की लेस के साथ सीक्वेंस में था ठीक है जॉर्जेट का दुपट्टा था और चिकन का ये सूट था और गाइस ये सूट ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था पर मैं बजट को भी थोड़ा ध्यान में रख रही थी और एक सूट ले लिया था उसकी भी डांट घर आके मैंने बहुत खाई है और मेरी मम्मी ने बोला कि भाई अब तो तेरे कपड़े मैं दो रुपये किलो में कबाड़ी को बेच दूंगी ठीक है हमारे घर पे एक कबाड़ी वाला आता है वो दो रुपये किलो में कपड़े लेके जाता है तो मेरी मम्मी ने पूरा कट्टा भर के तैयार है वो तो मतलब तैयार है भरा नहीं है कट्टा पर कट्टा भरने के लिए तैयार है कि भर के मैं कबाड़ी वाले को दे दूंगी ठीक है तो ऐसा भी होता है मेरे साथ बट ये वाला सूट ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और इसके कलर्स काफ़ी सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे कलर पैटर्न डिजाइन आपको सभी में मिल जाएंगे चिकन का ये होने वाला था ये आ गया है बहुत ही प्यारा सा डार्क ग्रीन कलर में मेहंदी कलर में इसका जो वर्क था ना उसने मुझे अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया था मतलब ये पर्टिकुलर पीस ऐसा था जो कि मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से कवर भी किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया बट इतना हैवी सूट मैं पहनती नहीं हूँ ठीक है मतलब पहन तो लेती हूँ बट बहुत कम ओकेजन्स मिलती हैं मुझे ये पहनने की मैं अपने काम में ज़्यादा बिजी रहती हूँ और कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाती सो तो जब भी कोई फंक्शन आएगा मैं पक्का नाज भैया से जाके इस टाइप का सूट जाके मैं परचेज कर लूँगी उनसे बहुत ही हैवी दामन था इसका और दामन पर भी इस टाइप के टेसल्स लगे हुए थे और ये पता है सूटों की रिचनेस होती है जो ऐसे टेसल दामन पे दिए जाते हैं ना दुपट्टे वगैरह से अच्छा है कि आप दामन पे टेसल वाली लेस लगाएं तो उससे ना सूट की हैवीनेस बढ़ती है रिचनेस बढ़ती है सो तो ये मेरी टिप हो गई आज की फैशन टिप आप लोगों के लिए इसी बात पर चैनल को, को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक ऊपर दिए हुए नंबर पर आप तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए स्क्रीन लीजिए भैया को स्क्रीन भेजिए प्राइस के साथ स्क्रीन भेजिए और अपना सूट पैक करवा दीजिए ठीक है ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका होने वाला है ये सूट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा प्यारा 750 रेंज होने वाली है बहुत ही प्यारा जॉर्जेट का पीस होने वाला है ये बहुत ही मतलब इसकी मैं क्या ही तारीफ करूं क्या इसकी मतलब तारीफ करूं क्या इसकी जिसने मतलब जिस टेलर ने इस सूट को बनाया ठीक है तो ये वाला गाना मैंने गा दिया इसी बात पर चैनल को कर दो सब्सक्राइब तुरंत के तुरंत कर दो यार सोच क्या रहे हो तुम लोग ठीक है तो चलिए मजाक बंद काम चालू बहुत ही प्यारा सूट था पीच कलर में था और जॉर्जट का इसका कपड़ा था जॉर्ज का दुपट्टा था गोटा पट्टी का, का काम था और <laughs> जो इसका डिज़ाइन था ना वो लाइन लाइन जैसा था सीक्वेंस का काम भी था इस पर और इसकी मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा प्यारी थी देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर स्लीव्स थी इसकी थोड़ी हैवी सी स्लीव्स थी इसकी ठीक है मज़ेदार पीस था धड़ाकेदार पीस था एकदम एकदम लेके जाओ और तुरंत एक पीस भी आपको होम डिलीवरी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये पीस होने वाला था और इसका दुपट्टा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैं बार बार इसका दुपट्टा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किसी ना किसी तरीके से क्योंकि इतने प्यारे से सूट के साथ इतना प्यारा सा दुपट्टा अगर आप पहनेंगे तो आप ही आप दिखने वाले हैं और कोई नहीं दिखेगा आपके सामने सब फीके पड़ जाएंगे ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग उसके बाद देख सकते हैं ये वाला पीस ये होने वाला है फिरोजी डार्क फिरोज़ी कलर में और इसका जो पैटर्न है वो होने वाला है पाकिस्तानी सूट रेंज आपको डिस्प्ले पे देख रही होगी इतनी कम रेंज में मिल रहा है तो तुरंत ऑर्डर कर दो ठीक है और देख सकते हैं जॉर्जेट में होने वाला है ये वाला सूट बहुत ही प्यारा सूट है और देख सकते हो यहाँ पे इसके जो फ्लावर प्रिंट्स ये हुए ना स्लीवस पे वो इसको और ज़्यादा हैवी बना रहे हैं और इसका जो दामन था वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और इस पर ना एक बहुत काइंड ऑफ आर्टिस्टिक काइंड ऑफ इस पर वर्क दिया गया है नीचे देख सकते हैं आप जिग्जैक जिग्जैक काइंड ऑफ दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीस है गला आप इसका जैसा मन चाहे वैसा बना सकते हैं स्लीव्स इसकी बहुत प्यारी स्लीव्स दी गई हैं जैसी आप चाहें वैसी इसकी स्लीव्स बना सकते हैं ठीक है मिला के ये पीस ऐसा होने वाला है जो कि पहनने के बाद ओढ़ने के बाद बहुत मस्त लगेगा चलिए देखते हैं इसका मेन अट्रैक्शन वो है इसका दुपट्टा जो कि बहुत ज़्यादा हैवी बहुत ज्यादा प्यारा होने वाला है हेवी देखने में है लेकिन जब आप इसे पहनेंगे तो ये आपकी बॉडी पे ऐसे समा जाएगा जैसे कि क्या हल्का सा आपने पहन लिया हो मखमल जैसा ठीक है मखमल तो नहीं है नेट है ठीक है बहुत ही प्यारा है लेकिन इसका जो पैटर्न था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइज अगर आप भैया से कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं जो भी पीस आपको पसंद आ रहा है जैसा भी आप चाहते हैं आप भैया को स्क्रीन शॉट लेके भेज सकते हैं साथ में प्राइस भी अगर चाहें तो आप उन्हें बता सकते हैं वरना वो आपको खुद ही सेम ही प्राइस बताएंगे प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले हैं और आपको घर बैठे ये प्लेसेज जो हैं डिलीवर हो जाएंगे चाहे आप एक मंगाएं चाहे आप दो मंगाएं ठीक है और प्राइजेस थोड़े बहुत अगर आप बोलोगे भैया अगर आपको डिस्काउंट देना चाहेंगे भैया का मूड अच्छा होगा तो क्या पता दे भी दें बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला भैया ने कि मैं प्राइस कम करूंगा या नहीं तो मैं आपसे झूठ बोलूं कि प्राइजेज आर नेगोशिएबल तो वो गलत है ठीक है मैंने आपको जो भी है सच्ची जानकारी दी है दामन देख सकते हो सूट का बहुत ज़्यादा प्यारा है ओवरऑल ये सूट आपको ना कम से कम ना कम से कम जब आप इसको सिलवा लेंगे तो कम से कम ये सूट पाँच वाला लुक आपको देगा ठीक है देख सकते हो ये वाला पीस ये इसको कहते हैं नेकलेस वर्क नेकलेस वर्क कहते हैं इसको जो उसके गले पे काम है अभी दिखाऊंगी पास से भी बहुत ही प्यारा पीस होने वाला था ये सबसे प्यारा था इसका जो मेन अट्रैक्शन था वो था इसका दामन अगर गलती से आपने ये सूट सिलवा लिया और पहन लिया और अगर आपने किसी को गलती से इसकी ये रेंज बता दी जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है तो वो आपको यही बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो और हमें भी पागल बना रहे हो ठीक है तो लेकिन जो मतलब मेरा कहने का मतलब इस बात से ये है कि इतना सस्ते में इतना हैवी पीस आपको मिल रहा है और इस पीस के वर्क देख सकते हैं क्वालिटी देख सकते हैं पाकिस्तानी काइंड ऑफ डिजाइन होने वाला है इसका और देख सकते हो आप बहुत ही प्यारा सा सूट है और दामन देख सकते हो आपको मैं हाथ से उठा के दिखा रही हूँ दामन से भी अच्छी चीज़ है जो मैं बताना ना भूल गई वो है इसकी बाजू वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे बाजू देख के तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तो कौन कौन होने वाला है इस पीस का मालिक कॉमेंट में बताओ तुरंत ठीक है अब बाजू देख लो और मैं तो गार्डन गार्डन हो गई आप भी अपना दिल गार्डन गार्डन कर लो ये होने वाली है इसकी बहुत ही प्यारी बाजू जो ड्रीम कैचर मिलता है ना अमेजोन वगैरह पे जो मैंने आपको तिलकनगर मार्केट में भी दिखाया था अगर वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो ठीक है सो ये देख सकते हो ड्रीम कैचर वाला लुक है इसका और बहुत ही हैवी बाजू दी गई है गाइज इतनी कम रेंज में इतना प्यारा सूट प्रोवाइड करा जा रहा है और देख सकते हैं इसके बाद ये इसका फुल लुक होने वाला है चलिए दिखा देते हैं इसका सबसे प्यारा अट्रैक्शन वो है इसका दुपट्टा दुपट्टा इसका होने वाला है नेट में बहुत ही प्यारा दुपट्टा है चलिए भैया को बोलते हैं भैया इसका दुपट्टा दिखा दो सो आ गया है इसका क्यूट सा दुपट्टा बिल्कुल बहुत ही प्यारा मतलब घिया कलर का सूट होने वाला है ये मेरी मम्मी तो लौकी कलर बोलती है मैं घिया बोलती हूँ पता नहीं कहाँ से मैं घिया बोलना सीख गई लौकी को ठीक है वैसे घिया भी बोलते हैं मैं गाँव गाँव मतलब मेरी जो दादी है ना घिया बोलती है कभी कभी आती है ना मेरी दादी तो गा घिया बोलती है ठीक है सो लॉकी कलर ठीक है मतलब मैं इतनी भी अनपढ़ नहीं हूँ थोड़ी बहुत हूँ ठीक है सो ये जो है बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा होने वाला है इसका और बहुत ही प्यारा बुंदक बुंदक वाला डिज़ाइन भी है इसमें और लाइनिंग वाला डिज़ाइन भी है लाइक इतनी बारीकी से काम इतने अच्छे रेंज के सूट में किया गया है अगर आप इनकी दुकान पर जाके लेंगे तो तो आपको प्राइस और भी कम लग सकता है थोड़ा बहुत गारंटी नहीं दे रही हूँ पर बोल रही हूँ कि कराओगे तो थोड़ा बहुत तो कर ही देंगे आपका मान सम्मान रखने के लिए ठीक है बाकी आप समझदार हो ही उसके बाद ये कैटलॉग देखिए अब देख रहे हैं हम ये वाला सूट बहुत ही प्यारा रेंज आपको सारे ही सूटों के डिस्प्ले पे दिखाई दे रही होगी बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप बोलोगे बाद में कमेंट बॉक्स में जो लोग सही से वीडियो नहीं देखते वो यही बोलेंगे आपने तो बोला कि सबके प्राइजेज मेंशन है प्राइजेस तो थे ही नहीं उस वाले सूट के नहीं थे उस वाले नहीं थे तो इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ ठीक है तो देख सकते हो बहुत ही प्यारा क्रीम कलर का सूट है विद स्काई ब्लू कलर ऑफ इसमें कंट्रास्ट दिया गया है सीक्वेंस का काम इसमें इतने प्यार से झालर 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 वाला किया गया है राउंड नेक होने वाला है इसका ये और एक चीज़ बता देती हूँ अगर कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाए जितने भी सूट हैं सारे अनस्टिच्ड हैं आपको सिलवाने पड़ेंगे सिलाई करानी पड़ेगी तो अपना टेलर दर्जी और सिलाई वाला जो भी हो ढूंढ लो भाई और भैया से करो ऑर्डर और भैया जो है आपको घर बैठे चाहे आप दिल्ली में हो चाहे आप दिल्ली के बाहर रहते हो कहीं भी रहते हो ऑल ओवर इंडिया आपको कोरियर जो है अवेलेबल हो जाएगा ठीक है बहुत ही प्यारा पीस होने वाला है ये देख सकते हो वाह 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 मज़ा आ गया ठीक है सो बताओ कौन लेने वाला है इस पीस को इसका दुपट्टा देखोगे ना तो फ्लैट हो जाओगे मैं तो लेट गई थी आप फ्लैट ही हो गए खाली ठीक है मैंने तो अपार्टमेंट खरीद लिया आप फ्लैट खरीद लेना इतना सुंदर दुपट्टा है लिटरली इसका बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो जरी का काम है इसके दुपट्टे पे ठीक है बहुत ही प्यारा तो गाइज एक चीज मैं आपको और बताऊँगी जरी और जरकन में डिफरेंस आज मैं पूछ के आई हूँ दुकान वाले भैया से कि भैया जरी क्या होती है और जरकन क्या होता है तो भैया ने बताया जो ये बुंदक बुंदक चिपके होते हैं ना मो मोती जैसे ये होता है जरकन जरकन एक मोती होता है जबकि जरी एक लेस होती है एक धागा होता है ठीक है चाहे तो जरी की लेस बना दो चाहे ज़री का काम कर दो मतलब हाथ से धागे का काम कर दो ठीक है मशीनों से भी होता है ज़री का काम तो ये डिफरेंस है मेरी तारीफ़ करो इसी बात पे कि वाह वाह अनामिका तुम तो बहुत बड़ी ज्ञानी हो ठीक है मेरी तारीफ भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना कमेंट कर देना और इस इसको तुरंत जाके बाय कर लो यार रेंज तो कुछ भी नहीं है ठीक है और अगर फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो चले जाओ दुकान पर और करा लो अपने मर्जी के रेट वो आपके ऊपर है भाई कितना कम करा सकते हो ठीक है सो तो देख सकते हो यहाँ पर ये होने वाला है जरकन में पीस नॉट जरी जरकन में हैवी पीस होने वाला है इसीलिए इसकी रेंज भी थोड़ी आपको हैवी लगेगी लेकिन जब जाके दुकान पे इस पीस को हाथ में लोगे तो आपको लगेगा कि इनके पास ये रेंज बहुत कम है जब मैंने देखा था ना इसको वीडियो जब मैं शूट कर रही थी तो मैंने लास्ट में जब शॉर्ट्स चेक किए और इसका प्राइस सुना छब्बीस सौ पचास तो मेरे को लगा यार थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया इसका प्राइस तो फिर जब मैंने सूट को सामने निकाला दोबारा देखा तो मुझे पता चला यार ये इससे भी ज़्यादा महंगा है ठीक है इस सूट ये वाला जो सूट है ना मतलब यही नहीं जरकन के और भी जो हैवी सूट्स होते हैं उनकी अगर आप चाहेंगे तो मैं पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगी लेकिन इन भैया के पास आपको बहुत ही ज़्यादा कम रेंज में ये सूट देखने को मिलने वाले हैं दुपट्टा जरकन वाले सूटों का मोस्टली प्लेन ही होता है ठीक है और जो इनका लाइन लाइनिन भी इसका अवेलेबल है बॉटम वियर भी इसका शिफॉन में होने वाला है शिफॉन बोलते हैं शार्टॉन शा, बोलते हैं जो भी होता है उसी में होने वाला है ठीक है ये वाला पीस होने वाला है अंग्रेजी मीडियम ठीक है क्योंकि इसका इंग्लिश कलर है अंग्रेजी मीडियम मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी वाला ये सूट है ठीक है मैं भी सुनती हूँ हरियाणवी गाने और हर तरह के गाने इसलिए मुझे पागल मत समझना ठीक है सो <laughs> so, देख सकते हो बहुत ही प्यारा पीस है ये पाकिस्तानी काइंड ऑफ वाइब दे रहा है पाकिस्तानी सूट है रेंज इसकी इतनी ज़्यादा कम है कि मैं क्या बताऊँ खूबसूरती इसमें इतनी ज़्यादा है कि समाई नहीं जा रही है इस सूट की खूबसूरती मेरी आंखों में और देख सकते हो इसको इतना ज़्यादा फोकस करके दिखाने की कोशिश की है एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है इतनी कम रेंज में अगर ये आपको कोई भी दे, दे देना तो एक बार मुझे भी बता देना मैं भी ले आऊँगी ठीक है इसका जो लाइनिंग है ये होने वाला है नीचे जो आपको दिख रहा है ये लाइनिंग है इसका जी हाँ यही वाला बहुत ही शाइनिंग लाइनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है भैया के थ्रू ठीक है बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीस है और देख रहे हैं आप भैया इसको आपको अच्छे से लाइनिंग के साथ लगा के भी दिखाएंगे कि विद लाइनिंग कैसा लगने वाला है ये होने वाली है इसकी स्लीव्स देखिए कितनी हैवी स्लीव्स इस सूट में आपको दी गई हैं रेंज दो हज़ार से भी कम है और यार क्या ही लोगे इतने में आप लोग ठीक है मैं तो ये बोल रही हूँ कि आपको तुरंत भैया को फ़ोन करना चाहिए और जाना चाहिए भैया के पास अगर आप चाहते हैं इतने अच्छे अच्छे सूट आपको कम रेंज में मिल जाए ठीक है देख सकते हैं बहुत ही प्यारा धांसू पीस है ये इसका दूसरा कलर होने वाला था कलर हर सूट में आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे अगर आप भैया को मैसेज करेंगे और उनसे जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो पूछना चाहेंगे तो भैया आपको सारे आंसर्स देंगे सबके कलर भेज देंगे कैटालाग्स भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर ठीक है या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो वहीं पर आपको भैया आप शो कर देंगे ठीक है बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली थी ये भी और ये मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसका ना मुझे ब्लू वाला कलर ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ना मैं पिंक वाली गर्ल हूँ नहीं पिंक कलर तो पता नहीं मुझे इतना पसंद है ही नहीं मेरे पास पिंक कलर का लिटरली कुछ भी नहीं है ना कोई साड़ी ना कुछ ठीक है तो मुझे पिंक कलर थोड़ा कम पसंद है तो जो मेरी क्यूट सी बेबी गर्ल्स हैं उन्हें पिंक पसंद होगा तो बुरा मत मानना भाई हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है उसके बाद आने वाला था ये वाला सूट जो कि होने वाला था प्रॉपर वेलवेट पे दुपट्टा होने वाला था इसका जॉर्जेट का और स्लीव्स भी इसकी जॉर्जेट की होने वाली थी ये सूट इस दुकान का मेन एट्रैक्शन बन चुका है लास्ट पीस बच जाता है जैसे इसका स्टॉक आता है तुरंत पीस खत्म हो जाते हैं। भैया ने बोला आप आज आए हो कल शाम इसका स्टॉक आया था और आज ये एक ही पीस बचा है मैंने बोला ना भैया कोई और भी कलर दिखा दो इसका तो भैया ने बोला नहीं मैम यही कलर बचा है और लास्ट पीस बचा है इसकी डिमांड व्हाट्सएप पे आती है फ़ोन कॉल्स पे आती है ठीक है तो ये वो वाला पीस होने वाला है रेंज आपको दिख रही होगी कितनी कम रेंज है दुपट्टा देख सकते हैं दुपट्टे में इसकी कितनी क्रिएटिविटी दिखाई गई है ठीक है कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और जो बिल्कुल लाइनिंग वाला वर्क किया गया है इस पे अगर आपने इस स्कूट पहन लिया ना तो आप, आप ही आप दिखोगे कोई दिखेगा ही नहीं आपके सामने दामन इसका बहुत ज्यादा प्यारा होने वाला हैवी है लेस की कोटिंग दामन पे की गई है स्लीव्स आर ऑल्सो नाइस ये जो आपको दिख रही हैं वो चिमटी से बंधी हुई यही इसकी स्लीव्स हैं देख सकते हैं दिखा रही हूँ आपको हाथ में लेके बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्लीव्स होने वाली हैं इसकी एंड ये पीस जो है ना मतलब मेन अट्रैक्शन है इस शॉप का मैं ये कह दूँ बहुत ही ज़्यादा मैंने इस पीस को जैसे ही देखा ना मैं भी फिदा सी हो गई बट क्योंकि कोई और कलर अवेलेबल नहीं था वरना तो क्या पता मैं इसमें भी अपने थोड़े बहुत पैसे जमा कराती ठीक है थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ ताकि मेरी मम्मी ना सुन लें ठीक है सो so, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीस होने वाला है ये बहुत ज़्यादा सुंदर देख सकते हो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पीस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पीस था ब्लैक कलर का पीस था पाकिस्तानी काइंड ऑफ मटेरियल था जिसमें मैंने आपको एक ग्रीन सूट दिखाया था ना पहले वो तो हल्का था लेकिन अभी मैं इसका दामन आपको दिखाऊंगी इसका दामन भी भारी था इस पर कढ़ाई भी भारी थी इसलिए इसकी रेंज थोड़ी उससे ज़्यादा थी देख सकते हो आप मैं आपको दामन उठा के दिखा रही हूँ ये अलग ही काइंड ऑफ पीस है वैसा वाला नहीं है ग्रीन वाला हल्का था ठीक है जबकि ये वाला बहुत हैवी था हैवी बोले तो इसका कपड़ा अच्छा था प्योर का कपड़ा था फर्क जॉर्ज में और देख सकते हैं इसका दुपट्टा वाह 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 दिल जीत लिया तेरी चुनरिया दिल ले गई ठीक है आज मैंने आपको तीन चार गाने सुना दिए गाने मैं इसीलिए सुना रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बहुत मुझसे खुश हो जाओ और मेरी वीडियो को लाइक करके जाओ और मेरी वीडियो को शेयर करो ठीक है बाकी आपकी मर्जी है जो आपको अच्छा लगे वो करो यार मेरा नहीं आप ही का चैनल है ठीक है इसकी जो लेस है बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली थी जैसे अगर कोई नई नई दुल्हन है ना वो अपने सर पर ऐसे रखेगी तो वो लहराएगी उसके माथे पर लेस बहुत ज़्यादा सुंदर वो लगेगी ठीक है सो बहुत ही प्यारा लेकिन सिक्वेंस का काम था इस पर अगर मैं डेफिनेटली बात करूँ तो सूट बहुत अच्छा था ठीक है बहुत औसम उसके बाद देख सकते हैं दिस इज माई फेवरेट सूट ये तो मुझे लेना है जाके मैं बोल के आई भैया को भैया पहले मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ जितने डिस्प्ले पे दिख रहे हैं उसके बाद मैं आपको कट मार के ले ही जाऊँगी सूट को ठीक है बहुत ही प्यारा और हैवी सूट था अब इसका दामन मैं आपको प्यार से दिखाऊंगी अभी ठीक है चलिए इसका दामन देखते हैं आइए देखिए क्या ही काम इसके दामन पे किया गया है भाई एक ही सूट के दामन में इतने सारे बारीकियों से काम किया गया है फूल जरी महल पहाड़ और न जाने क्या क्या ये होने वाली थी इसकी स्लीव्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाइस रेंज बहुत ज़्यादा रीजनेबल है इस सूट की पर्टिकुलर ठीक है मैं हर सूट की बात नहीं कर रही हूँ क्या पता आपको किसी की ज़्यादा लगे किसी की कम लगे हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है और मैं आपको कभी नहीं कहती कि आप अपना ओपिनियन चेंज करो मेरी वजह से कभी नहीं नेवर एवर ठीक है जो आपको महंगा लगता है मतलब कहीं ना कहीं वो महंगा है ठीक है और जो आपको सस्ता लगता है या ठीक लगता, थीक थीक थी लगता थी है या नॉर्मल लगता है वो कहीं ना कहीं ठीक है अपना ओपिनियन इज़ द बेस्ट ओपिनियन ये मेरी आप लोगों के लिए सलाह है कि किसी की भी बातों में आके किसी की भी वीडियो में आके अपना प्राइस रेंज मत बढ़ाइए अपना ओपिनियन मत बढ़ाइए जो रेंज में आपको लेना है वो चीज़ आपको उसी रेंज में मिलेगी इस बात को मेरी हमेशा याद रखना मैं बोल नहीं पाती हूँ कुछ पॉलिसीज होती हैं मेरे वीडियो को बनाने की भी लेकिन मैं बता रही हूँ जो आपको सही लगता है वही उसका असल रेट होता है जस्ट लोग बाग आपको धोखाधड़ी करते हैं आप लोगों को पागल बनाते हैं मार्केट वाले ये शॉप वाले नहीं ये तो इनके फिक्स प्राइजेज होते हैं ऑलमोस्ट ठीक है इनकी मैं बात नहीं कर रही बट मार्केट वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं और मैं चाह के भी कुछ नहीं कह पाती वहाँ पर क्योंकि फिर अगली बार से वीडियो नहीं बनाने देंगे यही होगा लेकिन आप लोग अपनी समझदारी दिखाया कीजिए ठीक है बहुत ही प्यारा इसका दुपट्टा होने वाला था रेड वाला का मैंने छोटी सी बात में आपको बहुत बड़ी बात समझाई है तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं चैनल को और जो मैंने आपको आज बात समझाई है आप उससे क्या समझे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप भैया से कुछ भी लेते हैं या परचेज करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि आपने भैया से क्या लिया और क्या परचेज किया ठीक है और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इनकी सर्विस कैसी है ये आपसे मतलब आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला इनकी शॉप के थ्रू अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है कोशिश कीजिए कि मुझसे बात करने से अच्छा है आप डायरेक्टली इन्हें ही मैसेज करके पूछा कीजिए ना कि भैया ये कितने का होने वाला है या कैसे लेना है कितने का है तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी ठीक है so सो गाइज आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको द बेस्ट कलेक्शन दिखाने की मार्केट की ये लास्ट सूट होने वाला था इसे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सूट था ये भी ठीक है सो so गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी इस वीडियो में आपको सफिशियंट जानकारी जो मिलनी चाहिए वो मिल गई होगी अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आपका फेवरेट पार्ट या आप और किस चीज पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो को शेयर करके आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं मेरे चैनल पे लोगों की रीच बढ़ाने में ठीक है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आपको चाहे आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर के सारे ही तरीके सारी ही जानकारी और आपकी परेशानियों को हल करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताने वाली हूं मैं आपके साथ हमेशा जेनविन रहूंगी कभी भी आपको झूठ गलत या कोई भी फरेबी जानकारी नहीं दूंगी ये मेरा आप लोगों से वादा है गाइज उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर आपको इनसे कुछ भी बाय करना है नंबर आपको दिया गया है सारी जानकारी फोन नंबर गाइज so हम जल्दी मिलेंगे किसी प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा सो सी यू सोन अनदर वीडियो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना कॉमेंट भी करना और शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाय बाय